मैं लक्ष्मी समस्तीपुर बिहार से और अभी आ गई हूँ कोलकाता। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी ब्लॉग्स। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आज बहुत दिन बाद हम लोग ब्लॉग डाल रहे हैं क्योंकि देखिए मेरा वीडियो ना थोड़ा स्टॉप चल रहा है, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा इधर के क्या बोले इसको ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कुछ दिन पहले कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ था तो इस वजह से हम लोग सही से वीडियो डाल नहीं पा रहे थे, एकदम डेंजर प्रॉब्लम हुआ। तो चलिए वो सब बात की बात करेंगे, कल बाद में बात करेंगे, हम बताएंगे अपना ऑडियंस लोग को। सो आप लोग मेरा बात पर गौर करिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग बस सपोर्ट करिए, बस जवाब जिसको मिलना है उसको मिल जाए, बस आप लोग सपोर्ट करिए हम लोग को। तो देखिए आज का ब्लॉग लक्ष्मी जी क्या बना रही है, ये देखिए इधर ये दाल चढ़ा हुआ है और इधर देखिए 10:30 बज चुका है दोस्तों, मेरे घर में अभी खाना बना नहीं है। ये देखिए इधर भात बहुत भात, देखिए नीचे चावल बन चुका है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बज, अभी हम खाना भी नहीं बना पाए इसलिए मैं थोड़ा मुरझा सा गई हूँ। कोई बात नहीं है, भूल जाऊंगी। तो अभी मैं खाली बदन क्यों हूँ ये बता देता हूँ क्योंकि अभी कोलकाता में गर्मी बहुत है, अभी खाली बदन नहाते नहीं नहाते नहीं, झूठ झूठ बोल रहे डेली नहाते क्योंकि अभी देखिए दोस्तों अभी 10:30 ही बज रहा है, अभी आम लेके नहा कर रेडी हो गए, अभी लगभग 38 डिग्री गर्मी चल रहा है। दाढ़ी देखिए ना, दाढ़ी अचूल देखिए, लग रहा है जंगल से उतर आए। अचूल हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। लक्ष्मी जी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो देखिए इधर अभी चावल बन चुका है, इधर अभी दाल बन रहा है और इधर ये क्या है भुजिया, ये देखिए ये बनेगा आलू का भुजिया। चाय वगैरह हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, चाय बन चुका था सुबह में तो चाय हम लोग ने पी लिया। और ये देखिए लक्ष्मी जी आप इसे क्या दाल घाट रही है ना, हम दाल घाट रहे हैं बिहारी भाषा, आप लोग की भाषा में क्या मतलब दाल, दाल को दाल ही ना घाटना बोले, दाल को जो मिलाते हैं हम। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरा ब्लॉग में, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए, अपना सासू माँ से मिलाएंगे, आज मेरा मम्मी से आप लोग को मिलाएंगे, वेट करिए थोड़ा। चलिए बने रहिए वीडियो। फाइनली अब नहा धो के एकदम मस्त हो चुके हैं और मस्त नहीं रेडी नहीं नहा धो के मस्त हो गए ना, मतलब गर्मी इतना है कि इधर देखिए इधर मजाक उड़ा रही है नहा धो के रेडी होता है मस्त बोल रहे हैं नहीं नहाते तो डेली है, मेरा मजाक उड़ाए थे ना इसीलिए गुस्सा में गया जाके नहाइए लिए। नहीं बहुत गर्मी पड़ गया है कोलकाता में, तो नहा धो के हम लोग आ चुके हैं और खाना भी रेडी हो चुका है वो देखिए, और उधर मेरी मम्मी खा रही है, उधर देखिए हम लोग मेरी सासू माँ लक्ष्मी जी फर्स्ट टाइम मतलब मेरी मम्मी से मिला रही है, वो देखिए खाना खा रही है, वो रोटी चावल दोनों मिलाए खा देगी क्योंकि थोड़ा उनको शुगर का प्रॉब्लम है तो इसीलिए पहले रोटी खा लेती है फिर थोड़ा सा चावल खाती है। और इधर देखिए लक्ष्मी जी इधर खाना निकाल रही है, हम लोग का जो लंच जो बना था क्या क्या बना था बताओ, लंच यही बना है दाल भात भुजिया आलू का, दाल चावल आलू का भुजिया और मम्मी के और मम्मी बिहार से अचार आलू खाती नहीं है हाँ, तो ये रहा आम का अचार, मम्मी दाल रोटी अचार खा रही है देखिए, अभी हम लोग का बहुत दिक्कत चल रहा है दोस्तों, इसी में गुजारा कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए तो इससे भी अच्छा दिन जाएगा मेरा। तो लक्ष्मी बहुत मेहनत कर रही है, जब से हम लोग कोलकाता आए हैं तब से मैं भी मतलब डाउन हो गया, हम लोग का शॉर्ट्स वायरल होना है, हम लोग आप लोग इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं और देखिए अगर व्यू एकदम ही नहीं आ रहा, व्यू बहुत डाउन हो गया तो इस वजह से थोड़ा हम लोग को सपोर्ट का जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ज़रूर हम लोग का मेहनत फल क्या बोलते हैं रंग लाएगा ना, हम लोग अपना तरह से हम जितना हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोग को अच्छी अच्छी ब्लॉग देखने को मिलेंगे और हम पूरा फैमिली के साथ वीडियो बनाएंगे, फैमिली वीडियो है ना, फैमिली ब्लॉग रहेगा, फैमिली ब्लॉग रहेगा क्योंकि आप लोगों ने इतने दिन से मेरी मम्मी को नहीं देखा था क्योंकि वो ऑन कैमरा आती नहीं है, वो देखिए खाना खा रही, तो आप लोग जैसे जानते हैं मैं तो मतलब
लगभग 9 महीने से मतलब गांव में था ससुराल में, यही सब कारणों के कारण जो आप लोगों ने देखा। तो अब आ चुके हैं तो अब थोड़ा शांत माहौल हो जाता है, तो आप लोग के लिए कोलकाता का जो जो भी मतलब बेस्ट लोकेशन होगा वो हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और हम लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते, तो वीडियो को भी अच्छा मिल जाएगा तो चलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये छोटा सा मतलब बहुत दिन हो गया ना इसलिए छोटा सा ये ब्लॉग डाल रहे हैं हम लोग, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। तो चलिए अब और किनके किनके घर में क्या क्या खाना बना है, क्या होता है लंच में, है ना, तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए लंच में क्या क्या आप लोग का घर बना है। मेरे घर तो दाल भात भुजिया बना है। जो भी अरे रूखा सूखा ही हो, गुजारा तो करना ही। हाँ थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कत चल रहा है इसलिए। तो चलिए अब खाना खाते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।